नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में नगर सरकार बनने के बाद पहली बार पार्षदों और निगम प्रशासन के अधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहर विकास को लेकर बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की नाराजगी देखी गई। मंत्री तोमर ने बैठक में मौजूद निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहते हुए नजर आए कि मुझे जवाब चाहिए कि आखिर मेरे लिखे गए पत्रों का यह अधिकारी जिम्मेदारी से जवाब क्यों नहीं देते हैं। मैं जनहित के मुद्दों को लेकर पत्र लिखकर भेजता हूं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। मंत्री तोमर की इस नाराजगी को देखकर बैठक में मौजूद नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ भी फूल गए। आप भी देखिए मंत्री तोमर ने क्या कहा। उन पत्रों का कोई जवाब नहीं चाहिए, उसके संबंध में मेरे द्वारा कई पत्रकार दिए गए हैं। अभी मेरे पास ये सूची है, इनमें से पत्रों का जवाब वहीं। जब मीडिया ने उनसे इस नाराजगी पर सवाल किया तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों और उनको सुविधा देने के लिए बनी है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नगर निगम की किसी भी लापरवाही के चलते जनता को परेशानी हो। कि मैंने स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारी सरकार जनता के हितों के लिए बनी हुई है, जनता को सुविधा देने के लिए बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नगर निगम की किसी भी लापरवाही के कारण जनता को परेशानी हो।